नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्यार। कोई भी वैकेंसी जब निकलती है तो उसमें कितनी पारदर्शिता होती है ये तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही बहालियां हो रही है और एग्ज़ाम हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। फिर जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो वो वहीं पर रुक जाती है और फिर आंदोलन, लगातार आंदोलन भी होते जा रहे हैं। इसमें पारदर्शिता जो है बहुत ज़रूरी है और उसके लिए छात्र नेता दिलीप जिला जिला जा रहे हैं और वहाँ पर सभी स्टूडेंट को जागरूक कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं कि हम लोग मांग करें, वैकेंसी की मांग करें और उसमें पारदर्शिता की मांग करें। आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप ही जुड़े हुए हैं और वो जिला वाइज गए भी हैं, कहाँ वहाँ उन्हें स्टूडेंट से कितना फीडबैक मिला है, किस तरह का माहौल है, ये हम इन्हीं से जानते हैं। दिलीप, आप पहले नवादा में गए भी हैं, नालंदा में आप अभियान भी चला है, साक्षरता अभियान चला है, तो क्या स्टूडेंट की क्या? देखिए, 4 मार्च को मैं नालंदा में था और नालंदा के बिहार शरीफ में लॉज जाकर स्टूडेंट से संपर्क किया और 4 तारीख को काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए थे और हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए थे, छात्र सभा हुआ उसमें भी शामिल हुए और काफ़ी उत्साह उनमें दिखा, जागरूकता दिखी और वो लोग चाहते हैं कि ऐसा जो है आयोजन बिहार के हर ज़िले में बारी बारी से किया जाए, जैसा कि मैंने पहले भी प्रोग्राम बना रखा है। और छात्रों की मांग है कि पारदर्शिता लाई जाए, वैकेंसी निकाली जाए, जो सरकारी पद खाली है, 6 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली है, उन पर वैकेंसी निकाली जाए। सचिवालय से है कि वैकेंसी 2014 के बाद नहीं आई, 3000 सीट खाली है, द्वितीय इंटर स्तरीय 2014 के बाद वैकेंसी आनी चाहिए, नहीं आई, 40000 पद खाली है, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली अभी तक लटकी हुई है, उसको जल्द पूरा किया जाए। तो इन सब मांगों को लेकर हम लोग हस्ताक्षर अभियान जिला वाइज चला रहे हैं और नालंदा में शुरुआत किए थे 4 तारीख को और अब हम लोग 11 तारीख को, 11 मार्च को नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में सुबह 11 बजे हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं उस दिन और छात्र सभा भी करेंगे। हालांकि मैं आज रात को ही, यानी कि आज 9 तारीख है, 9 तारीख की रात्रि में ही नवादा पहुंच जाऊंगा और 10 तारीख के सुबह से छात्रों से जाकर संपर्क करूंगा, छात्राओं से जाकर संपर्क करूंगा, जिला में जहां जहां हो सकता है संपर्क करूंगा और 11 मार्च को सुबह 11 बजे हरिश्चंद्र स्टेडियम में एक सभा रखा गया, छात्र सभा, जहाँ हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नवादा एवं उसके आसपास के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, आप लोग 11 मार्च को सुबह 11 बजे हरिश्चंद्र स्टेडियम में आइए और इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल होइए। आपको कुछ करना नहीं है, आपको 20 से 25 मिनट समय देना है और हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना है, मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, सरकार को दिखानी है कि स्टूडेंट अब जाग चुका है और हम लोग एकजुट हो चुके हैं और एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं कि पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता लाने के लिए है OMR सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के बाद दिया जाए, आंसर की जारी हो और परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स बताया जाए, वार्षिक कैलेंडर जारी हो सभी भर्ती आयोग का, ताकि विज्ञापन से लेकर PT परीक्षा, उसका रिजल्ट, मुख्य परीक्षा, उसका रिजल्ट, ज्वाइनिंग तक का जिक्र हो और 1 साल के अंदर कोई भी बहाली पूरी हो, ये सारे चीज़ों को मांग को लेकर, जैसे 35% महिला आरक्षण है, बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है, ये बंद होना चाहिए, बिहार की महिलाओं को ही मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, जैसे 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, बिहार में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षक बहाली में जो लेट लतीफी हो रही है, वो लेट लतीफी दूर हो और नियोजन की जो दोषपूर्ण प्रक्रिया है उसको बंद किया जाए और कोई अच्छी व्यवस्था कायम की जाए शिक्षक बहाली के लिए, STET अभ्यर्थियों के लिए जो है सो न्याय किया जाए, रेलवे NTPC ग्रुप डी के परीक्षार्थियों के साथ न्याय हो, ये बहाली जल्द पूरी हो, रेलवे का भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी हो और रेलवे की हर साल वैकेंसी आए। इसी तरह हमारी मांगे हैं, जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा होना चाहिए, मगध यूनिवर्सिटी का सेशन देखिए अभी लेट है, बहुत 4 साल 5 साल में होता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, 3 साल में कोर्स पूरा हो। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर, 12 सूत्री मांग को लेकर हम लोग जिला वाइज आंदोलन कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। तो नवादा में हम लोग 11 मार्च को सुबह 11 बजे हरिश्चंद्र स्टेडियम में और गया में 13 मार्च को गांधी मैदान में 11 बजे सुबह में हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग गया के हैं तो गया में आइएगा 13 मार्च को और जो भी नवादा एवं उसके आसपास हैं वो लोग, आप लोग 11 मार्च को हरिश्चंद्र स्टेडियम में सुबह 11 बजे आइए। और विशेष जानकारी के लिए जो भी हो, अगर कोई जानकारी चाहिए कुछ भी, तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7282005656, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना 11 मार्च को नवादा में हरिश्चंद्र स्टेडियम में ये लोग एकजुट हो रहे हैं, जितने भी छात्र हैं वो लोग जुट हो रहे हैं और इसमें छात्र शक्ति की बात
कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि जब छात्र शक्ति एकजुट होकर सरकार के पास अपनी आवाज़ अगर पहुंचानी चाहे तो ज़रूर उनकी आवाज़ पहुंचेगी और सरकार को समझ में आएगी कि किस तरह की खामियां जो है वो सामने आ रही है और उसको हमें पूरा करनी चाहिए। चलिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।